2.3 मिलियन सब्सक्राइबर। मैंने आज तक किसी का भी जम्मू एंड कश्मीर क्या क्या गया, वो बस मरेगा जिएगा उसे कुछ। अब वो मर जाएंगे, ऊपर वाला महादेव अल्लाह जो भी हो आप जिसको मानते हो वो देख रहा। सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। तो गाइस आज सुनने में आया है अमीर माजिद को 12 लोग ने अटैक किया। गाइस क्यों ऐसा क्यों यार, कुछ भी करो तुम भी करो गाइस, तुम्हें भी होगा ना, तुम भी कर सकोगे, तुम भी मेहनत करो ना। किसी की तरक्की देखकर तुम मतलब तुम्हें कुछ फायदा होने वाले में से नहीं है, तुम बस अपनी कोशिश करो ना। तुम दूसरों को टांग खींच रहे हो, किसी को मार रहे हो, क्या भाई मतलब ये बात मुझे हजम नहीं हुई गाइस। जम्मू एंड कश्मीर के एक सबसे बड़े यूट्यूबर थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ एक सबसे बड़े मोटो ब्लॉगर जिसे किंग कहा जाता था, वो आज हॉस्पिटल में गाइस। मारते हो क्यों मतलब क्या चीज़ का दुश्मन है गाइस तुम्हें? वो मेहनत करके खा रहा है बंदा, वो मेहनत कर रहा है, वो खुद की अपनी मेहनत से कितने साल उसे मेहनत करके स्ट्रगल करके करने के बाद वो वहाँ पहुँचा, पर तुम क्यों मार रहे हो? तुम्हें कुछ मिला क्या मार के? अरे भाई वो क्या बोलते हो उसे, डाउन टू अर्थ वो बंदे थे यार, दिल से बुरा लगा गाइस वो देखकर। और जितने लोग भी हैं, मैंने अभी यूट्यूब में कुछ न्यूज़ देखा, अमीर माजिद मर गए। अरे भाई मरे नहीं है होंगे या मरे नहीं है अभी हॉस्पिटल में, तो न्यूज़ फेक फैलाते क्यों वो? नहीं तुम्हें व्यूज चाहिए, मुझे पता है तुम्हें व्यूज चाहिए, तुम फेक न्यूज़ फैलाते क्यों हो गाइस? अमीर माजिद का देहांत हो गया भाई साहब, ये गलत है। किसी की डेथ, जैसे कि एक्सीडेंट किसी ने मारा अमीर माजिद को, अभी 12 लोग ने मारा, उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन कई यूट्यूबर हैं जो अमीर माजिद अब नहीं रहे, देहांत हो गए उनका। अरे यार ये कोई बात है क्या गाइस? ये कोई बात ही नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं आपको बात बता दूँ, वो अमीर माजिद जो थे ना, वो एक लेजेंड है जो जम्मू एंड कश्मीर से कुछ निकले थे। क्या मेरी भाषा से, मैं अपनी भाषा से बोलता हूँ, वो उगता हुआ सितारा था हमारे देश का, ना कि बॉलीवुड हॉलीवुड में। उनको मुझे कुछ पता नहीं, उनका जो अभी बॉलीवुड में अगर वो जाएंगे वो मुझे पता नहीं, वो कुछ क्रिकेटर हैं या फुटबॉलर है कुछ है, मुझे पता नहीं गाइस, वो सब कुछ पता नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के वो एक ही मोटो ब्लॉगर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ, मुझे पता नहीं कि आज किसी का भी हो 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर। मैंने आज तक किसी का भी जम्मू एंड कश्मीर का मतलब कोई हो अभी तक नॉलेज नहीं है गाइस। इतने लोगों को मैंने वीडियो देखा पर अभी तक कोई किसी को पता नहीं है। पर एक बंदा था वो भी अभी हॉस्पिटल में है, अब रिकवर कब होंगे वो पता नहीं। यार मिलता तुम्हें क्या है गाइस? नफरत से गाइस नफरत फैलाओगे, जितने नफरत फैलाओगे तुम, तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारे लिए हानिकारक है। उसका क्या कहेगा, वो बस मरेगा जिएगा उसे कुछ। अब देखो भाई वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में, सर पे लगा चोट, मतलब पैसा होने के बाद ही नहीं बचते कोई इंसान, उनको जान से मारने की कोशिश की क्यों गाइस? समझो गाइस समझो, कई यूट्यूबर हैं जो अपने घर चलाते, वो अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं गाइस। तुम जैसे नहीं किसी की मतलब टांग खींच के नहीं, टांग खींचने का काम कभी मत करो, तुम मेहनत करो तुम्हें होगा। लेकिन सच बताऊं, बहुत दिल में दर्द हुआ गाइस ये सुनकर। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं तो स्लिप टांग खींचना जानते हैं, टांग खींचना, और वो कुछ नहीं करेंगे बस टांग खींचेंगे। सीने पे दर्द हुआ गाइस मेरा आज, सीने पे दर्द बहुत ज़्यादा, इतना बुरा लगा ना कसम से आज, इतना बुरा लगा ना आपको क्या बताएं। एक ब्लॉग आया जो अमीर माजिद नहीं रहे, मैंने पूरा वीडियो देखा, तो दोबारा सर्च किया अमीर माजिद के विषय में, पता चला कि वो भी हॉस्पिटल में जम्मू के, जिन्होंने मारे थे उन्हें उनके आसपास हॉस्पिटल में कहाँ चले गए, ले गए किसी ने उठाकर, कोई भले आदमी होंगे या कोई अपना पहचान वाला कुछ, मुझे पता नहीं। मैं बहुत दूर से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है मैं कहाँ हूँ गाइस, मैं बहुत दूर हूँ, फिर भी उनका वीडियो मैं हर रोज़ देखता था, अच्छा लगता था। उस बंदे में कुछ एटीट्यूड वाला बात ही नहीं था गाइस, क्या हुआ? चलो
तुम्हारी मुंह तो काला हो गया जिसने मारा ना उनको, मतलब दिल से खराब लगता है। देखो गाइस, अब तुमने गलत किया कोई नहीं, मैं मानता हूँ, सुधर जाओ गाइस। दिल पे लगता है ना बात, दिल में जब दिल पे आता है ना बात, वो तो बहुत बुरा लगता है। सो गाइस, सुधरने वाले सुधर जाएंगे, नहीं सुधरने वाले मर जाएंगे। ऊपर वाला महादेव अल्लाह जो भी हो, आप जिसको मानते हो, वो देख रहा है, उसको अपने किए गए सजा जरूर मिलेगा। और अमित मस्जिद, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, अल्लाह हो या महादेव से हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो, दुआ करता हूँ भाई अब भी रिकवर हो जाए, अच्छी तरह से आ जाए, यूट्यूब में फिर ब्लॉग दें, उन लोगों को जला के उंगली कर दे सर गाइस, उसकी ज़िंदगी में उंगली कर दो गाइस, रिकवर हो जाओ, आ जाओ आप ब्लॉग दो, तो मैं दुआ करता हूँ आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो। यह तक था, लेकिन बुरा लगा गाइस बहुत ज़्यादा।